गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरद सत्तार खान। नाइन्थ क्लास इंग्लिश 1.4 द स्टोरी ऑफ टी। इस चैप्टर के इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ और पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको पुराने वीडियो पसंद आए होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं नाइन्थ क्लास इंग्लिश 1.4 द स्टोरी ऑफ टी इंग्लिश वर्कशॉप। अब इसमें सबसे पहले जो है फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटीज़ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैमेलिया साइनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट डैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है। यानी यहाँ कैमेलिया साइनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट डैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कैमेलिया साइनेंसिस किसका नाम है? ये टी लीव्स को कहते हैं। द टी वी बॉय आर यूजुअली क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज। जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसका फिल इन द ब्लैंक्स है। मोस्ट पीपल एग्री डैट टी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो चाय है वो रिफ्रेश करने वाला एक ड्रिंक है। मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज़ टी। यानी पूरी दुनिया में सबसे मशहूर जो मशरूब है, शरबत है, या जिसे आप कह सकते हैं वो चाय है, टी है। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। चाय के लिए कितनी बारिश की ज़रूरत है? 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस है। A1 नंबर एक्टिविटी है ट्रू फॉल्स। ये आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं। सर्वेंट वॉज बॉयलिंग सम टी फॉर एम्परर टू ड्रिंक। सर्वेंट है तो चाय गर्म कर रहा था। गलत, फॉल्स। द एम्परर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी। यानी एम्परर जो है हैरान हो गया था ये फ्लेवर और क्वालिटी, जो रिफ्रेशिंग क्वालिटी थी टी की, उससे। ट्रू। बोधिधर्मा वॉज फर्स्ट टू यूज़ टी एज अ ड्रिंक। इसमें क्या है, चैप्टर में ये भी इस बात का जिक्र है कि बोधिधर्मा पहला आदमी था जिसने ये चाय का इस्तेमाल किया था। ट्रू। चाइनीज ट्रेडर्स ऑल्सो बिगैन टू बार्गेन फॉर टी ऑन बॉर्डर्स ऑफ मंगोलिया। चाइनीज ट्रेडर जो है वो भाव ताव कर रहे थे, बार्गेन कर रहे थे मंगोलिया की बॉर्डर पे। रॉन्ग, वो तो टर्किश ट्रेडर्स थे। तो यहाँ फॉल्स, मंगोलिया की स्पेलिंग दुरुस्त कर लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग आंसर्स। आंसर्स डायरेक्टली गिवन, यानी यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। चाइनीज एम्परर शेनॉन्ग नोन एज द, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से होना चाहिए था, फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। उसके बाद सेकंड है, द एम्परर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन। तो ये यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स में द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी, ये पूरा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। बोधिधर्मा आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल फाउंड डैट चेविंग लीव्स फ्रॉम टी श्रब एक्टेड एज अ स्टिम्युलेंट। तो ये बोधिधर्मा जो है ये अंडरलाइन होना चाहिए। टर्किश ट्रेडर्स ऑल्सो बिगैन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। तो ये टर्किश ट्रेडर्स ये अंडरलाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हिंदी वर्ड फॉर टी रेफर्ड इन इंडिया इज चाय। तो ये चाय को अंडरलाइन कीजिए। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। नेम ऑफ जियोग्राफिकल प्लेसेस मैंशन इन द टेक्स्ट। इन टेक्स्ट बुक में कौन कौन से प्लेसेस का जिक्र है? आसाम, इंडिया, चाइना, दार्जिलिंग, नीलगिरी, मंगोलिया, यूरोप और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जैसे कि जापान वगैरह का भी जिक्र है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। हाउ इज़ द टी बेवरेज मेड, यानी चाय कैसे बनाई जाती है? आंसर क्या है? टी बेवरेज इज़ मेड बाय ब्रीविंग डैट इज़ इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर द लीव्स एंड द शूट्स ऑफ अ प्लांट हुज बोटानिकल नेम इज़ कैमेलिया साइनेंसिस। यानी चाय कैसे बनाई जाती है, ये उबलते हुए पानी में डालकर और उसमें पत्तियां डाली जाती है, और उसका बोटानिकल नेम क्या है, चाय टी लीव्स का, कैमेलिया साइनेंसिस। व्हाट डज टी कंटेन, टीन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, चाय की पत्ती में कौन कौन सी चीज़ें होती है? टी कंटेन्स थियानाइन एंड कैफीन विच गिव द ड्रिंक अ स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी। इट डजंट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स। यानी चाय में क्या है, थियानाइन है, कैफीन है, जो एक स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी देती है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स नहीं है।
हाउ इज टी पिक्ड एंड सोल्ड टू अस, चाय कैसे हमें बेची जाती है. द टी डेट पैक्ड एंड सोल्ड टू अस इज ड्राइड क्यूर्ड एंड प्रोसेस्ड. चाय की पत्ती क्या की जाती है, पहले उसे सुखाया जाता है, उस पर क्योर किया जाता है यानी उसे साफ किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है. वेयर आर टी एस्टेट्स लोकेटेड, टी एस्टेट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद है. टी एस्टेट्स आर लोकेटेड ऑन द हिल स्लोप्स एट द एलिवेशन ऑफ अप टू 1500 मीटर्स, यानी पहाड़ियों के ढलवानों पर होते हैं जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर है. वाई आर टी प्लांट्स प्रून्ड, यानी टी प्लांट्स को क्यों है तो एक काट छाट कर एक हाइट तक रखा जाता है. द टी प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet टू इनेबल ईजी प्लकिंग ऑफ लीव्स, यानी टी प्लांट्स को क्या किया जाता है, उसकी हाइट को कम से कम 3 feet की हाइट पर रखा जाता है ताकि वो पत्तियां तोड़ने में आसानी हो. सिर्फ पत्तियां ही तोड़ी जाती है. पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस है. डू यू लाइक टू ड्रिंक टी, क्या आपको चाय पीना पसंद है. येस आई लाइक टू ड्रिंक टी, हाँ मुझे चाय पीना पसंद है. इन आर सोसाइटी टी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज, और हमारी सोसाइटी में टी जो है एक बहुत ही अच्छा मशरूब माना जाता है. इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय, इससे मुझे बहुत खुशी महसूस होती है. मेक्स मी फ्रेश, मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ. एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू कॉन्सेंट्रेट, और इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है ताकि मैं पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ. वाट आर द बोटैनिकल नेम गिवन टू टी, टी को दिए गए बोटैनिकल नेम्स कौन से हैं. बोटैनिकल नेम्स आर द साइंटिफिक नेम्स डेट आर गिवन टू प्लांट्स, दे आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्लांट एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स, यानी बोटैनिकल नेम्स जो है दिए जाते हैं तो वो क्या है, साइंटिफिक नेम होते हैं और वो प्लांट के टाइप को देखकर, उसके फीचर्स को देखकर दिए जाते हैं. नेक्स्ट है पर्सनल रिस्पॉन्स का. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेजेंड्स और स्टोरीज एंड हिस्ट्री, क्या फ़र्क है लेजेंड्स और स्टोरीज़ में, और जो तो उसकी तारीख है उसके अंदर क्या फ़र्क है. देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन लेजेंड्स स्टोरीज एंड हिस्ट्री. लेजेंड्स एंड स्टोरीज डेट आर हिस्टोरिकल इन नेचर, दे टॉक अबाउट पॉपुलर इवेंट्स और पर्सनालिटी. दो दीज स्टोरीज आर ट्रेडिशनल एंड रिटोल्ड, इट इज़ नो गारंटी अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी. टर्म हिस्ट्री इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इवेंट्स विच आर एक्चुअली हैपन्ड इन पास्ट एंड वेरीफाइड. अब क्या है ये स्टोरीज, लेजेंड्स और हिस्ट्री में बहुत बड़ा फ़र्क है. लेजेंड्स एंड स्टोरीज क्या है, ये हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं. दे टॉक अबाउट द पॉपुलर इवेंट्स, ये पॉपुलर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं या और पर्सनालिटी के बारे में. दो दीज स्टोरीज आर ट्रेडिशनल एंड रिटोल्ड, ये स्टोरीज जो होती है ट्रेडिशनल होती है और बार बार इसे बयान किया जाता है, बोला जाता है. इट इज़ नो गारंटी अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी, यानी इसकी सच्चाई पर की कोई गारंटी नहीं है, ये सच्चा है या झूठा है वाकया. टर्म हिस्ट्री इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इवेंट्स, यानी हिस्ट्री ये जो लफ्ज है इसके ये मायने क्या है, ये वाकयात को बयान करने वाला, वजाहत करने वाला एक टर्म है, लफ्ज़ है. आर एक्चुअली हैपन्ड इन पास्ट एंड वेरीफाइड, जिससे जो गुजर चुके हैं और जिसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे, उससे पहले कुछ और एक्टिविटीज़ हैं. डू यू हैव एनी सेरेमनीज एसोसिएटेड विथ फूड आइटम्स, ऑन डिफरेंट ओकेशंस वी एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, यानी अलग अलग तकरीबात होती है, ऐसी कोई स्पेशल सेरेमनी है कि उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ऐसी सेरेमनीज होती है जैसे शादी ब्याह वगैरह. आई हैव फ्रेंड्स बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी अलग अलग कम्युनिटीज़ से मेरे दोस्त आते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, तो सबके अलग अलग फेस्टिवल होते हैं. वी इन्वाइट ईच अदर ऑन द फेस्टिवल ओकेशंस, हम एक दूसरे को अपने अपने त्यौहार पर बुलाते हैं. एंड एन्जॉय डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, और अलग अलग किस्म के फल खाते हैं. ऑन द अदर ओकेशंस वी टेस्ट फूड ऑफ डिफरेंट वराइटीज़ फ्राम होटल, और कई मरतब हम क्या करते हैं, जो फूड है अलग अलग होटल से भी हम मंगा कर उसका इस्तेमाल करते हैं. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय.